सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एक नया प्रैक्टिकल जो थोड़ा डिफिकल्ट है. सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यू हैव टू क्रिएट अ ईजेबी, आई कैन से एक बीन बनाना है जो स्टेटफुल हो, स्टेटफुल सेशन बीन हो, और वो एक शॉपिंग कार्ट को आई कैन से डेमोन्स्ट्रेट करता हो. तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे, और वो प्रोडक्ट्स को मैं वो बीन के अंदर डालना चाहता हूँ. अभी इसके अंदर क्या होगा मालूम है कि सबसे पहला चीज़ डेटाबेस नहीं है यहाँ पे. सो क्या क्या लगने वाला है ये पहले ही बता देता हूँ. पहला तो हम लोग को वेक्टर्स लगेगा फॉर स्टोरिंग द डेटा, क्लास पोजो, एंड देन वी विल नीड अ वन मोर थिंग, दैट इज़ योर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, क्योंकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से ये काम और आसान हो जाएगा. सो लेट्स सी. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहला तो एचटीएमएल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग चार ही प्रोडक्ट्स डालेंगे. ओके, दैट विल बी द डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स उसके अंदर रहेंगे, एंड देन दैट प्रोडक्ट विल बी सबमिटेड टू सर्वलेट, और सर्वलेट ये डेटा स्टोर करेगा यूजिंग ईजेबी. चलो, सो सबसे पहला तो एचटीएमएल, इसको बोलता हूँ शॉपिंग, दैट्स इट. अभी जो करने वाला उसको बहुत ध्यान से देखना. यहाँ पे मैं एक टेबल टैग लेता हूँ, दैट विल बी बेटर, क्योंकि हम लोग को कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं. सो उसके अंदर टेबल रो रहेगा, देन दैट्स इट, एंड देन टेबल डेटा, टेबल हेडर लेते हैं पहला. ओके, तो प्रोडक्ट आईडी रहेगा, प्रोडक्ट का नाम रहेगा और कॉस्ट रहेगा. ओके, एंड देन ऐड टू कार्ट वाला भी चीज़ रहेगा. ओके, सो ऐसे कुछ चीज़ें होने वाली है. चार प्रोडक्ट्स चाहिए. यहाँ पे TH लिखना था, तो यहाँ पे TD लिखना है, सॉरी. यहाँ पे TH लिखना है, TH लिखना है. ओके, सो फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो एंड द फोर्थ रो, फोर आइटम्स आर वी आर गोइंग टू हैव. यहाँ पे PID लिखता हूँ, यहाँ पे नेम लिखता हूँ, प्रोडक्ट नेम, एंड यहाँ पे लिखता हूँ सपोज उसका प्राइस. ओके, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एवरी TD के आगे मैं एक फॉर्म टैग डाल सकता हूँ. ओके, सो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि फॉर्म टैग क्या करेगा. फॉर्म टैग क्या करेगा कि हर एक फॉर्म टैग एक सबमिट बटन के लिए काम करने वाला है. ओके, इसके अंदर एक सबमिट बटन होगा जो इस फॉर्म के लिए काम करेगा. ओके, ऐसे हर एक जगह पे मैं एक फॉर्म डालने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फॉर्म को एक एक्शन देता हूँ कहाँ पे जाना है. तो बोलता है कि बाय सर्वलेट, ऐसा नाम का चीज़ बना देते हैं. ऐड टू कार्ट. ओके, ऐड टू कार्ट, या फिर कार्ट नाम का सर्वलेट बना दे. क्या बना दे? कार्ट. ठीक है, दैट्स इट. सो वो बना के रखेंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए नहीं. यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी 1, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम इज़ ABC एंड द प्राइस इज़ ₹10, एंड आई नीड अ, जरा बराबर से देखना, गड़बड़ मत करना. यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिया. TD यहाँ पे आना चाहिए, ABC जो है वो इस TD के बीच में आना चाहिए, और 10 जो है वो इधर आना चाहिए, और यहाँ पे एक सबमिट बटन आना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, दैट्स इट. श्योर, तो इसको वैल्यू देता हूँ ऐड टू कार्ट, दैट्स इट. तो ये एक हो गया. अब सबमिट करते वक्त है ना, मैं सिर्फ आपको ये फॉर्म बता देता हूँ कि ये क्या करने वाला है.
ओके ऐड टू कार्ट करते ही वो कार्ट के पास चला जाएगा, लेकिन आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डेटा हियर। क्वेश्चन मार्क करने के बाद मुझको सपोज प्रोडक्ट है तो मैं बोलता हूँ कि पी आर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, द वैल्यू शुड बी डिस्प्लेड। ओके तो ये आना चाहिए, तो कार्ट तक तो जा रहा है लेकिन क्या लेकर जाना चाहिए वो नहीं बताया। तो इसके लिए यहाँ पे हिडन कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप जो रहेगा वो हिडन रहेगा और वैल्यू जो होगा जो ये रहेगा मेरा 1:ABC एंड देन द प्राइस इज 10 रुपीज़, राइट। सो अभी इतना करने से क्या होगा, लेट मी शो इट टू यू। लेट्स गो बैक एंड लेट्स हिट एंटर अगेन। ओके इफ आई क्लिक ऑन द कार्ट व्हाट हैपेंड, हैवंट आई सेव्ड इट? सेव तो हो गया। यस फॉर्म है, एक्शन है, टाइप सबमिट है, दैट्स इट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यार ये क्रोम अगर होता तो सही होता, यूजुअली क्रोम यूज़ करना क्योंकि कैशिंग इज़ द प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, इसका मतलब डेटा यहाँ तक आएगा, श्योर। अभी यहाँ पे आप लोग को इनपुट टाइप हिडन दिख रहा है और वैल्यू दी मैंने, लेकिन नाम दिया क्या? नहीं, तो नेम इज इक्वल टू PR लिख देता हूँ। अब आपको वैल्यू दिखाई देगा, चेक इट आउट। यहाँ पे निकाल देता हूँ इसको, क्रोम में यूज़ करता हूँ, वो मेरे लिए बेटर रहेगा। सी आ गया PR इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ओके तो ऐसे ही करके मुझे कितने रोज चाहिए, 4, तो मैंने 4 बना दिए थे, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं जितने भी रोज थे उसको इन्हीं चीज़ों के साथ। ओके सो यहाँ पे कितनी बार लेते हैं, 4 बार। ओके सो थोड़ा सा भी देखने लायक कर देता हूँ। एक्शन कार्ट इज़ ओके, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PQR, यहाँ पे RST और यहाँ पे XYZ। इस प्रोडक्ट का प्राइस है सपोज 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। ओके देन लेट्स एड द सेम थिंग इन हियर। यहाँ पे मैं कोलन सेपरेटेड वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग को कोलन से सेपरेट किया है मैंने तो इसको मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ। ओके स्प्लिट करूँगा तो ये 0th इंडेक्स मिलेगा, ये 1st इंडेक्स मिलेगा और ये 2nd इंडेक्स मिलेगा, इसलिए मैंने ये किया है। सो यहाँ पे आकर मैं करता हूँ 2, यहाँ पे करता हूँ 3, यहाँ पे करता हूँ 4, यहाँ पे लिखता हूँ द प्रोडक्ट नेम इज़ व्हाट, PQR। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सपोज इट्स RST एंड यहाँ पे है अपना XYZ। सो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 40। ओके दैट्स इट। सो इधर तक तो सही से समझ में आ गया है। ओके सो अभी तो कोई इशू नहीं लग रहा मुझे, लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिलोड इट। इफ आई ऐड टू कार्ट आई एम गेटिंग 10 वैल्यू, 20 एंड देन 30 एंड देन 40। सो इट इज़ गोइंग टू अ सर्वलेट कॉल्डलेस कार्ट। अभी कार्ट नाम का सर्वलेट बनाते हैं। ओके सो यहाँ तक काम हो गया। सी मैंने हर एक को एक एक फॉर्म दिया है और उसको बोला है कार्ट के ऊपर जा, ठीक है। सो सिर्फ हम लोग को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए था, दैट्स इट। हमें यहाँ पे बॉर्डर दे दिया तो अपना काम हो जाएगा, बॉर्डर दिखाई देगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, श्योर। सो अब क्या कर रहा है, एक सर्वलेट बनाते हैं। सो लेट्स गो एंड क्रिएट अ सर्वलेट इन वेयर इटसेल्फ। ओके इसको बोलता हूँ कार्ट, जो नाम दिया था वैसा ही नाम देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डन विद इट। सो दैट्स सिंपल। ओके सो ये अपना काम हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू उठाना है। किसका वैल्यू उठाना है, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट इफ़ आई ऐड टू कार्ट, कार्ट का वैल्यू उठाने का है। सो पहला तो मैं आपको कार्ट का वैल्यू उठा के दिखाता हूँ आउट डॉट प्रिंट के साथ। ओके सो उसका वैल्यू क्या है, ओ ओ ओ
वैल्यू है उसका आउट, आई कैन से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और गेट पैरामीटर में मैं लिखता हूँ क्या नेम, तो बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द नेम, पी आर. ओके सो चेक इट आउट, अपने को डेटा भी कैसा मिलेगा. देखा सर्वलेट बन गया था, इसके लिए अपने को आउटपुट मिला. श्योर अभी मैं बैक जाता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये मिला, ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये मिला. ओके इट्स वेरी सिंपल. नाउ द थिंग इज दैट द डेटा इज़ देयर विथ यू, नाउ आई वॉन्ट टू स्प्लिट इट. तो स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग एरे लेता हूँ, उसको बोलता हूँ डिटेल्स. ओके इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डैट क्वेरी स्ट्रिंग, यही तो मिलने वाला है मुझे. डॉट स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ किससे, तो कोलन से. तो कोलन से सेपरेट कर दूंगा तो डी ई टी के अंदर आपको जीरोथ इंडेक्स के ऊपर आई डी मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपको नेम मिलेगा, और सेकेंड इंडेक्स के ऊपर आपको मिलेगा उसका प्राइस. सो मैं वापस आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट के थ्रू आपको वो चीज़ बता देता हूँ. ठीक है यहाँ पे अभी एक बी आर टैग से कॉन्कैट कर देता हूँ ताकि अपना काम आसान हो जाए. तो यहाँ पे मैं डी टी जीरोथ इंडेक्स यहाँ पे लिखता हूँ बी आर टैग. ओके एंड देन जीरोथ इंडेक्स, दिस फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज सेकेंड इंडेक्स. तो यहाँ पे लिखकर आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ. ओके सो यू विल एबल टू सी दिस थिंग्स, कि दिखा सेपरेट होकर आ गया. सो मेरा तो काम आसान हो गया अभी तो. ओके सो अपना काम तो यहाँ पे हो गया. सो अब क्या करना है कि मैं इसी HTML के अंदर ऊपर एक एंकर टैग लिखेगा. ओके शो आई कैन से कार्ट. ओके दैट्स इट. और मैं एक्शन के ऊपर जो कार्ट के अंदर भेज रहा हूँ डेटा, तो वैसे HRF में मैं कार्ट को ही कॉल करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क देकर उसको बोलता हूँ कि ये क्या है. शो नाम का पैरामीटर उसको मैं पास करता हूँ. शो इज इक्वल टू एनी थिंग यू कैन कीप, मैं शो इज इक्वल टू शो लिख देता हूँ, दैट्स इट. तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये सिर्फ पैरामीटर है चेक करने के लिए. आपको जो नाम देने का दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कार्ट के पास शो चला जाएगा. ओके तो दिखा देता हूँ. सी इफ यू गो बैक, इफ यू हिट एंटर शो कार्ट, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, कार्ट शो. और आपको डेटा भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब यहाँ पे ऐड टू कार्ट करोगे तब यहाँ पे PR आ गया. ओके सो अभी मैं चेक करूँगा कि PR रहेगा तो क्या करना है और शो रहेगा तो क्या करना है. सो देखो अब यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर मैं कुछ काम करने वाला हूँ. ओके तो मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पहला PR है या नहीं चेक करता हूँ. अगर PR नल नहीं रहेगा, इफ PR इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं रहेगा तो भाई यार मेरे को डेटा दिखा. ओके एंड देन वापस यही चीज़ लेकिन else if कंडीशन में. ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे PR नहीं, मैं लिखूँगा शो. अगर शो नल नहीं रहेगा तो मैं आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर बोलूँगा कार्ट. अरे आउट डॉट प्रिंट. ओके तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. अभी मैं यहाँ पे क्लिक करते मेरे को कार्ड दिखेगा और यहाँ पे क्लिक करते ही प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए. सो दिस इज़ फॉर एडिंग द प्रोडक्ट इनटू द कार्ट एंड दिस इज़ फॉर शोइंग द कार्ट. ओके तो एक ही सर्वलेट में अपना काम हो जाएगा. ओके दैट विल बी मोर बेटर फॉर अस. नाउ द थिंग इज दैट अपना काम तो हो गया, अभी मुझे ये डेटा सेंड करना है किसी और को. तो वो कौन है, मेरा EJB है. सो लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट, लेट्स क्रिएट अवर बीन, दैट इज अ सेशन बीन एंड दैट विल बी स्टेटफुल दैट लोकल एंड देन पैकेज इज vit.in. ओके सो अरे यार नाम दे दो यार, इसको क्या बोलते हैं, कार्ड बीन. ओके दैट्स इट, क्लिक ऑन फिनिश. अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट नाम का एक मेथड बनाते हैं जिसको तीन पैरामीटर रहेगा.
एक रहेगा तुम्हारा आई कैन से प्रोडक्ट आईडी, दूसरा रहेगा नाम और तीसरा रहेगा आपका प्राइस। सो लेट्स ऐड दैट थिंग। सो ऐड बिजनेस मेथड, तो दैट इज योर ऐड टू कार्ट। श्योर, देन इट्स रिटर्निंग समथिंग स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कार्ट में ऑलरेडी ऐड रहेगा चीज़ें तो मैं रिटर्न करके बताऊँगा कि प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी एडेड इनटू द कार्ट। ओके, एंड आई विल बी हैविंग थ्री पैरामीटर्स। सो फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, बाद में कन्वर्ट मार देते हैं। पी आई डी मतलब प्रोडक्ट आई डी, बाद में नेम और बाद में बोलता हूँ उसका प्राइस। ओके, देन क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट, बन गया। अब तुम लोग को है ना थोड़ा मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, अब भी ध्यान देना। अब आता है वेक्टर्स। अब क्या करना है मुझे कि ये तीनों को स्टोर करने के लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास विच विल बी वेरी मच सिमिलर टू आई कैन से ये तीन चीज़ स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे बोलता हूँ प्रोडक्ट नाम का क्लास है। ओके, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, इंट पी आई डी। अब यार इंटीजर विंटीजर दिखाने का क्या ज़रूरत है, स्ट्रिंग ले लेते हैं ना, स्ट्रेट वे काम हो जाएगा अपना, थोड़ी एडिशन विडिशन करने के अपने को। ओके दैट्स इट। तो यहाँ पे बोलता हूँ पी आई डी। ओके देन ऐसा ही, और क्या क्या चीज़ें चाहिए मेरे को, नेम चाहिए और क्या चाहिए, प्राइस, दैट्स इट। नाउ यू कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो हियर एंड इवन सेटर गेटर्स ऑल्सो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ उसके ऊपर है। अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, इंसर्ट कोड करके आप सिर्फ गेटर्स एंड सेटर्स को क्लिक कर देना और इसे टिक कर देना, तीनों के लिए गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो गेटर्स इज़ फॉर रिट्राइविंग द वैल्यू एंड सेटर इज फॉर गिविंग द वैल्यू। ओके, इवन वी कैन यूज़ अ कंस्ट्रक्टर टू गिव द वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर सेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी आई डी कॉमा नेम कॉमा प्राइस, दैट्स इट। ओके, एंड देन लेट्स हैव इट स्ट्रिंग डेटा टाइप। And then I'll say this dot PID is equal to PID, and then rest of the things same इसी वे में आएगा। So यहाँ पे आएगा name, यहाँ पे आएगा price, यहाँ पे आएगा name, यहाँ पे आएगा price। सो थिंग्स आर डन। ओके, सो ये कंस्ट्रक्टर है और बाकी सारे गेटर सेटर्स हैं। सो अभी मैंने पोजो बना लिया जो अपना डेटा स्टोर करेगा। अभी मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, पब्लिक वेक्टर, पब्लिक वेक्टर ऑफ अ टाइप। आई एम सेइंग स्पेसिफिकली इट इज़ अ प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट नाम का एक वेक्टर बनेगा। ओके, उसको मैं बोलता हूँ कि ऑल प्रोडक्ट्स और कार्ट ऐसा बोल देता हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट वेक्टर। ओके दैट्स इट। नाउ द थिंग इज दैट कि ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज दैट इफ द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर प्रोडक्ट प्रेजेंट रहेगा तो ऐड करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए ना, इट इज़ वेरी मच सिंपल। तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ कि चेक करता हूँ कि कार्ट के अंदर क्या क्या, तो फॉर ईच लूप लीजिए। ओके, सो फॉर ईच लूप के अंदर सी हाउ आई डिड इट, फॉर लिख देना और यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट एलिमेंट के ऊपर जा देना जाना, तो यहाँ पे बराबर वो वेक्टर उठा लेगा। अगर नहीं भी लिया ना तो कोई फ़र्क नहीं गिरता। आपको क्या लिखना है, कार्ट।
कार्ट में से मतलब वेक्टर के वेक्टर एक लिस्ट है, तो चार प्रोडक्ट्स अगर डाले रहेंगे तो एक एक प्रोडक्ट वो निकालेगा और प्रोडक्ट के अंदर डालते जाएगा एक एक प्रोडक्ट. ओके सो दैट्स इट. एंड देन इफ आई एम गोइंग टू राइट इफ कंडीशन, और लिखने वाला हूँ कि जो कुछ भी तेरे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर से मेरे को क्या चाहिए, गेट कर प्रोडक्ट आईडी, और वो प्रोडक्ट आईडी को चेक कर इज इट इक्वल्स टू माई पीआईडी व्हिच आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द यूज़र. इफ इट इज़ अवेलेबल, ओके अगर ये पीआईडी तेरे पास अवेलेबल रहेगा तो बट ऑब्वियसली उसको कार्ट में डाल मत, तो कुछ तो रिटर्न कर. यहाँ पे रिटर्न कर दिया तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, इधर ही स्टॉप हो जाने वाला है. तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन कार्ट. ओके ऐसा मैं रिटर्न कर देता हूँ. अगर प्रोडक्ट कार्ट में रहेगा ही नहीं तो एट दैट टाइम डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई जस्ट हैव टू से हिम कि भाई एक काम कर, प्रोडक्ट नाम का जो क्लास है उसका एक ये बना एंड देन प्रोडक्ट एंड इट इज आस्किंग फॉर दीज थिंग्स. सो दैट्स इट. ओके तो पी आई डी, नेम और प्राइस ये तीनों दे दिया. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड इट. तो मैं क्या करता हूँ, कार्ट नाम का जो वेक्टर है उसके अंदर ऐड कर देता हूँ किसको, पी आर को. दैट्स इट. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल रिटर्न प्रोडक्ट एडेड. ओके दैट्स इट. श्योर. सो दिस इज ऐड टू कार्ट. अगर ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ तो रिट्राई भी करने को आना चाहिए. ओके सो एक नया मेथड बना लेते हैं. ओके सो लेट्स ऐड इट. कहाँ पे, ये क्लास के अंदर करना है सब कुछ, मतलब जो इम्प्लीमेंट कार्ड बिंड लोकल किया ना उसके अंदर. तो एक अभी यहाँ पे एक बिजनेस लॉजिक ऐड करना है, उसको बोलते हैं रिटर्न कार्ट. रिटर्न कार्ट या फिर शो कार्ट. ओके एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न स्ट्रिंग एंड दैट्स इट. अब मैं क्या करता हूँ, सेम जैसा वो अपने लूप लिया था फॉर लूप वाला. ओके उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स उठाते हैं वन बाय वन करके. ओके एंड मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग लेता हूँ. आई कैन से डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ. स्ट्रिंग एंड द नेम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑल प्रोडक्ट्स. ओके इन कार्ट इज इक्वल्स टू ब्लैंक करके रख देता हूँ. और अभी जो कार्ड के अंदर से डेटा लेने वाला हूँ वो इसके अंदर डालते रहता हूँ. अभी यहाँ पे है ना मैं कोलन सेपरेट भी कर रहा हूँ और भी कुछ करूँगा, देख लेते हैं. ओके सो जो कुछ भी मेरा स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग के अंदर प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू डालना है. तो प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू को कॉन्कैट करना है. अब सबसे पहला मैं क्या उठाएगा, पी आई डी. ओके तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट डॉट गेट पी आई डी, देन आई एम कॉन्केटिंग इट विद कोलन, देन अगेन कॉन्केटिंग इट प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, देन कॉन्केट इट, देन यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस. ओके देन यहाँ पे पाइप से ख़त्म कर देता हूँ, मतलब यहाँ तक है ना पाइप तक एक डेटा है. ओके ऐसा जितना भी कार्ट में आप डालते रहोगे ना तो वो डेटा ऐड होते जाएगा और लास्ट में मैं शो कर सकता हूँ उसको. एंड फाइनली यहाँ पे रिटर्न कर देना है. रिटर्न क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट जो कुछ भी मैंने यहाँ पे इस लूप के अंदर से उसको भरा रहेगा. ओके वो मुझे यहाँ पे शो करना है. दैट्स इट. तो हम लोग ने बीन भी बना लिया, कार्ड भी रेडी है एंड लेट्स नाउ कॉल अवर कार्ट. ओके सो ये किसके लिए था, एडिंग इन कार्ट. एंड ये किसके लिए था, डिस्प्लेइंग द कार्ट. सो प्रिटी सिंपल, ये इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, निकाल दिया तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू. अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि करना क्या है.
अभी आपको वो बिजनेस मेथड्स जो कुछ भी आपने बनाई थी, बीन्स बनाई थी, उसको कॉल करना है. तो इंसर्ट कोड में जाकर यू जस्ट हैव टू कॉल एन एंटरप्राइज बीन. विच बीन यू आर गोइंग टू कॉल? दैट इज योर कार्ड बीन. ओके, तो उसका ऑब्जेक्ट बन के आपको आ जाएगा, लुकअप बिकअप मार के सब कुछ हो जाएगा. तो कार्ड बिन के थ्रू आपको सिर्फ कॉल करना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस थिंग कि यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जो एड टू कार्ट हो रहा है वो रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग कर रहा है. ओके, सो स्ट्रिंग में क्या रिटर्न हो रहा है? प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में है या नहीं है, या प्रोडक्ट ऐड किया है वो, तो वो चीज़ों के लिए मैंने ये लिखा है. सो इसके लिए प्रिंट डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है. लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार्ट बीन डॉट ऐड टू कार्ट को तीन पैरामीटर सेंड करूँगा. अभी PID कहाँ से मिलेगा? DET 0 से, बराबर. देन नेम कहाँ से मिलेगा? DET 1 से. सही से देखना. एंड मेरा प्राइस कहाँ से मिलेगा? DET डिटेल 2 से. देन ये हो जाने के बाद मेरे को आउटपुट कुछ मिलना चाहिए. सो यहाँ तक हो गया. एक बार इसको डिप्लॉय मार देते हैं. ओके, लेट्स राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स डिप्लॉय इट. ओके, तो बीन्स बीन्स सारे प्रॉब्लम्स सब बराबर लोड हो जाएंगे. नाउ आई से ऐड टू कार्ट. सो प्रोडक्ट एडेड हो गया, कार्ट में चला गया. वापस मैं ऐड करता हूँ तो बोलते हैं प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी इन कार्ट. अभी दूसरा बनाता हूँ, दूसरा ऐड करता हूँ तो प्रोडक्ट ऐड हो गया. वापस क्लिक करूँगा तो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट. ओके, सो कार्ट में चीज़ें चली जा रही है, वो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया था, ऐड टू कार्ट का तो काम हो गया. अभी शो कार्ट का भी लॉजिक बना के रखा था ना, अभी शो कार्ट को कॉल करते हैं. सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आउट डॉट प्रिंट के अंदर ही लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, जो डेटा मिल रहा है वो दिखा रहा हूँ उसको. तो कार्ड बीन इज़ एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से मैं शो कार्ट कॉल करता हूँ. ओके, सो सब कुछ सेव्ड है. शो कार्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे को आउटपुट दिखना चाहिए. ओके, सो लेट्स ऐड समथिंग. प्रोडक्ट एडेड, प्रोडक्ट एडेड, शो कार्ट. नाउ यू आर एबल टू सी द आउटपुट. क्या होता है कि हम लोग डिप्लॉय मारने के बाद कुछ चेंजेस कर दिए सर्वलेट के अंदर या फिर बीन के अंदर, तो वो रीडिप्लॉय कर देता है. तो इसके वजह से वो डेटा चला गया था. ओके, सो दैट्स इट. अभी ये डिस्प्ले हो गया, ये मेरा आइटम से कार्ट के अंदर. लेकिन ऐसा दिखाओगे तो यार मज़ा नहीं आएगा ना. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग वे में डिस्प्ले करेंगे, लिस्ट बनाकर डिस्प्ले करेंगे. सो हम लोग जाते हैं अपना कार्ट डॉट जावा के पास. ओके, तो डेटा तो मुझे मिल गया है. ओके, सो इस डेटा को मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग लेबल और स्ट्रिंग समथिंग कॉल्ड एज आई कैन सी रोज, ऑल रोज. ठीक है, अब ये ऑल रोज बोल दिया मैंने, लेकिन ये ऑल रोज नहीं है. तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि हुआ क्या है, यहाँ पे मुझे लास्ट को एक पाइप मिला है. दैट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट. मेरे को पाइप लास्ट में नहीं चाहिए. ओके, वो लास्ट का एक पाइप निकालना है. तो पूरा लेंथ निकालो स्ट्रिंग का, और लेंथ में निकालने के बाद 0 से लेकर लेंथ माइनस 1 कर देना तो पाइप निकल जाएगा. ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं. मैं सब स्ट्रिंग कर लेता हूँ इसका. ओके, सब स्ट्रिंग उठाने के बाद ओके, काम कर लेता हूँ. पहला इसको करता हूँ एंड देन वापस ओवरराइट कर देता हूँ ऑल रोज को. इज इक्वल टू ऑल रोज डॉट आई कैन से सब स्ट्रिंग उठाते हैं कहाँ से कहाँ तक, जीरोथ इंडेक्स से लेकर ऑल रोज का लेंथ. ओके, -1. ओके, एंड देन मैं प्रिंट कर लेता हूँ जो कुछ भी वैल्यू मुझे दिखाने का है. तो आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर लिखता हूँ ऑल रोज. तो अभी मेरे को एटलीस्ट टू एटलीस्ट मेरे रोज निकल के आने चाहिए. मतलब रोज सब कुछ आएगा लेकिन लास्ट का पाइप निकलना चाहिए. सो देखो अभी यहाँ पे वापस वो रीडिप्लॉय हो गया. तो वापस प्रोडक्ट को ऐड कर दो कार्ट के अंदर.
ये वाला प्रोडक्ट भी ऐड कर दो एंड देन गो टू शो कार्ट, तो यहाँ पे लास्ट का चीज़ निकल गया। सो आई गॉट एन आइडिया कि ये सब कुछ सही से चल रहा है। अब क्या होता है कि ये क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक काम करना था। क्या करना है कि अगर मैंने स्प्लिट कर दिया पाइप से तो मेरे को तीन चीज़ें मिलेगी, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़। ओके सो मैं यहाँ पे कुछ काम करने वाला हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ कि इंडिविजुअल रो मैं लिख देता हूँ, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है इंडिविजुअल रो इज इक्वल्स टू ऑल रोज डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किससे करूँगा, तो पाइप से करूँगा, तो वो एरे बन जाएगा, दैट्स इट। तो काम हो गया। अब एक फॉर लूप लेते हैं एंड देन मैं बोलता हूँ कि इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आई किधर तक रन करना चाहिए कि आई रो में कितना, आई रो का लेंथ कितना है उधर तक, देन आई प्लस प्लस। सो इस हिसाब से आपको बताओ, आप बताओ मेरे को कि मैंने इसको इससे स्प्लिट कर दिया तो मेरे को कितना डेटा मिला, 1, 2 एंड 3। तो आई रो के अंदर कितने चीज़ें गई, ये तीन, राइट। सो जीरोथ इंडेक्स के ऊपर कौन मिलेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये, और ये कहाँ पे मिलेगा उसका, सेकंड इंडेक्स के ऊपर। सो आई गॉट एन आइडिया, इसके लिए मैंने ये लूप लिया। अब छः तो आपको मैं प्रिंट करके बता देता हूँ, आउट डॉट प्रिंट, और आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैं आपको आई रो का आयत इंडेक्स प्रिंट करके बता देता हूँ। ओके जैसे मैं इसे सेव कर दूंगा ये रीडिप्लॉय हो जाएगा, इसका मतलब कुछ दिखने वाला नहीं है। तो वापस ऐड करो कार्ट के अंदर कुछ चीज़ें, देन क्लिक शो कार्ट, तो आपको कुछ दिखाई दे दिया। ओके तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यार कुछ तो गड़बड़ है। ओके सो पाइप से मैंने उसको बोल दिया था करने के लिए, लेकिन आई रो का लेंथ के हिसाब से आई को प्रिंट करना है तो पाइप शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। मैंने तो पाइप से स्प्लिट करने को बोला, इसने तो स्पेस के हिसाब से स्प्लिट कर दिया, दिस डजंट वर्क्स। ओके पाइप बैकस्लैश पाइप देना पड़ता है, नहीं तो नो आई डोंट थिंक सो। ओके आई रो का आयत इंडेक्स बराबर है सब कुछ, लॉजिक में क्या गड़बड़ हुआ है। स्प्लिट करने को बोला है इसको मैंने, स्प्लिट करने के बाद आई रो के अंदर जो स्ट्रिंग जाने वाला है दैट्स इट्स परफेक्ट। एक काम कर लेते हैं, ये पाइप से मेरे को थोड़ा सा पंगा लग रहा है। ओके तो मैं क्या कर लेता हूँ, कार्ट के अंदर जब डेटा डाल रहा था तो लास्ट में मैं पाइप लगा रहा था ना उसको। ओके तो बीन के अंदर जो पाइप से डेटा जा रहा था, मतलब लास्ट में जो शो कार्ट में पाइप आ रहा था, पाइप के जगह पे क्यों ना हम कोई दूसरा चीज़ ले ले, कैन वी टेक सेमीकोलन। ओके सो सेमीकोलन दे के देखते हैं एंड देन यहाँ पे स्प्लिट करना है तो सेमीकोलन से स्प्लिट करते हैं, पाइप से अगर नहीं हो रहा है तो। ओके लेट्स गो बैक, लेट्स शो प्रोडक्ट, दैट्स इट। पाइप का प्रॉब्लम था, बाकी कुछ नहीं था। ओके तो अभी डेटा तो मिल गया है, अभी मैं इसको कार्ट में डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए अभी यार ये सर्वलेट है तो HTML तुम लोग को लिखना पड़ेगा, सो दैट्स द ओनली वर्स्ट थिंग। या फिर आपको ऐसा ही दिखाने के आप दिखा सकते हो। ओके आई हेट राइटिंग दिस HTML थिंग अगेन एंड अगेन। आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेबल टैग। ओके देन आउट डॉट प्रिंट फॉर लूप के बाद में टेबल टैग खत्म,
देन यहाँ पे आउटडॉट प्रिंट लिखते वक्त मैं कुछ चीज़ों को लिखने का कोशिश करेगा। अभी क्या करना है, तो डेटा तो मुझे मिल चुका है, ओके सो यू आर एबल टू सी ये डेटा है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ अभी कोलन से, तो क्या होगा, तो मेरे को 1 मिलेगा, ABC मिलेगा और 10 मिलेगा। अगर कोलन से स्प्लिट करता हूँ तो ये 0th इंडेक्स रहेगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ओके। तो एवरी रो को मैं, जो मेरे को मिल रहा है उसको स्प्लिट करेगा। आई रो का आयत इंडेक्स को मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट। स्प्लिट किससे करूँगा, तो मैं करूँगा कोलन से। एंड उसका कौन सा इंडेक्स लूँगा, तो 0th, तो ये फर्स्ट है, ओके। देन द सेकेंड थिंग, तो यहाँ पे है ना, लिखते वक्त है ना, तो मैं यहाँ पे टेबल रो टेबल डेटा, ये मेरे को बहुत गंदा लगता है, ओके। देन अगेन योर टेबल डेटा इज़ क्लोज्ड, देन टेबल डेटा इज़ ओपन, देन अगेन कॉन्कैट, देन पेस्ट दिस थिंग अगेन। यहाँ पे आयत रो का कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, तो मेरे को नाम मिलेगा। सो वापस कॉन्कैट, किसको क्लोज, जो टी डी ओपन किया था उसको क्लोज करो और नया टी डी ओपन करो। देन अगेन कॉन्कैट, अगेन राइट दिस थिंग। यार इतना सिंपल नहीं है, प्रैक्टिस बहुत लगेगी। टी डी एंड देन योर लास्ट टी आर क्लोज, फाइनली इट्स डन। द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे इंडेक्स नंबर मैंने गलत रख दिया है, 0 नहीं रखना है, 2 रखना है, ओके। सो इट इज़ प्रिटी वेल एक्सप्लेन्ड, ओके। सो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, प्रोडक्ट ऐड हो गया, वापस ऐड टू कार्ट करता हूँ, प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एडेड इन टू कार्ट, इसको करता हूँ, देन इसको भी करता हूँ, हो गया। एंड शो कार्ट करता हूँ तो आपको ये दिखाई दे दिया, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी मेड अवर EJB का कार्ट। क्या क्या लगा पता है ना, एक HTML फाइल लगा, इसके अंदर हर एक को फॉर्म टैग क्यों दिया गया, क्योंकि जब भी मैं कंट्रोल को, जब भी मैं बटन को क्लिक करूँगा सबमिट को, एट दैट टाइम इंडिविजुअल फॉर्म फायर हो जाना चाहिए और उसके अंदर का एक हिडन कंट्रोल का वैल्यू जाना चाहिए, दैट्स इट, ओके। और यहाँ पे मैंने शो क्यों लिखा था, क्योंकि मैं एक ही सर्वलेट यूज़ किया है दोनों के लिए, ओके। तो पैरामीटर के हिसाब से मैं उसको से खेल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके। सो ये एग्जाम्पल को आपको मुझे लग रहा है कि बहुत बार देखना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा, ओके। ऐसे ही अभी आगे के एग्जाम्पल्स है, सो पंगे तो होंगे, सॉल्व तो करना है एनी हाउ, राइट। सो आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन। अभी इसके अंदर जितना भी चीज़ें यूज़ किया है मैंने, वो सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, गेटर सेटर्स एंड ऑल, ओके। देन योर ये जो है वेक्टर्स, ये कलेक्शन में भी आता है, आप लोग ने देखा रहेगा। सो यू हैव टू बी थरो विथ योर जावा, देन एडवांस जावा सही से दिमाग में जाएगा। और ये अगर बेसिक जावा आपको आ गया, मतलब सर्वलेट वर्वलेट, तो यू कैन गो टू स्प्रिंग, डायरेक्टली स्प्रिंग के ऊपर जाओ, बाकी सब कुछ करो मैं स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, ओके। घुस जाना, बहुत अच्छा फ्यूचर है उसमें, श्योर।